ये तो एक तरफ उल्लास और उत्साह हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के भीतर का, लेकिन केंद्र में बहुमत के साथ सरकार जब बनी तो ढाई दशक के बाद एक सरकार बनी बहुमत के साथ बनती है, और बीजेपी के भीतर का मैसेज क्या निकल कर आने वाला है? तो सुन जी, मुझे लगता है कि अभी जो नलिन जी भी कह रही थी, लेकिन आरएसएस परसों मेरी जो सूचना है काफ़ी टेंशन के साथ मीटिंग हुई है, और अरुण जेटली अमित शाह के बीच में जो थोड़ा विवाद पैदा हुआ था वो और ज़्यादा गर्माएगा। और जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, बीजेपी के लिए भी मोदी के खिलाफ उतना नहीं बोला जाएगा, क्योंकि देखिए पब्लिक में भी अभी भी ओपिनियन, प्रधानमंत्री के नाते भी उनका विकल्प तो कोई उनके पास है नहीं, या उनको विरोध उस तरह से नहीं हो सकता है, लेकिन ये ठीकरा फोड़ा जाएगा। और आरएसएस के स्वयंसेवकों ने उतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, कोई मोहन भागवत या कुछ भी कहें कि भाई हमारे स्वयंसेवक काम करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी वेवलेंथ न अमित शाह से जुड़ी न अरुण जेटली से जुड़ी, जो दिल्ली के प्रभारी सही माने में वो थे, प्रभात झा और नीचे के जो पदाधिकारी वो अपनी जगह हैं। और इसलिए प्रसून जी आपकी बात बिल्कुल सही है, ये भाजपा में संघ से उतना नहीं, संघ का बल्कि दबाव मोदी पर भी बढ़ेगा कि आपने इन दोनों लोगों पर छोड़ा क्या किया। ये जानकारी वैसे दे दे, 15 और 16 तारीख को झंडे वालान में बैठक बुलाई गई है एक, और उसमें कृष्ण गोपाल जो है जिन्हें प्रभारी दिया गया है बीजेपी को देखने का संघ और बीजेपी के, उन्होंने बुलाया और उसमें बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी भी होगी अमित शाह की। शनवाज जी, अगर ये रुझान चुनाव परिणाम में तब्दील हो जाए तो बीजेपी के भीतर दिल्ली यूनिट की या किसकी कुर्सी जाएगी? देखिए, कुर्सी जाने का सवाल नहीं है पुनपरसन जी, ये जब हम जीतते हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और हारते हैं तो सबकी जिम्मेदारी है, कोई एक व्यक्ति पर या एक नेता पर नहीं थोपी जा सकती। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, हमारे लिए बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं, ऐसी अपेक्षा नहीं थी। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, हो सकता है उनकी मेहनत कामयाब हुई है। अच्छा का सवाल नहीं है, ये एक ऐसा रुझान है जिसमें 52 सीटों में से 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इसका मतलब है कि बिल्कुल उल्टा मैसेज है क्या? लोकसभा चुनाव में आप 60 सीटों पर आगे थे, यहाँ पर 40 सीटों में पे आगे बीजेपी मौजूदा वक्त में चल रही है। जी नहीं नहीं ये सही है, उल्टा रुझान है, इसकी कभी कल्पना हमने की नहीं थी, और कंपेन में भी ये हमें ऐसा नहीं लगा। बीच में मुझे जरूर लगा कंपेन करते हुए के अच्छा अब लगने लग गया है, सवा घंटे पहले नहीं लग रहा था, आधा घंटा पहले भी नहीं लग रहा था कि आपको, अब लेकिन लगने लग गया है। नहीं अब लगेगा नहीं रुझान से, हम तो प्रैक्टिकल आदमी हैं, कल्पनाओं में थोड़ी जीते हैं, जो जिस वक्त की परिस्थिति है उसी में बात करेंगे। राहुल कमल जी आप क्या चाह रहे हैं, हम आपको पहले कह देते तो फिर गिनती का इंतजार कैसे करते। चलिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। आशुतोष आपको आवाज आ रही है हमारी? इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? यहाँ तो आपकी पार्टी ने बीजेपी का वो हाल कर दिया है जो कि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में अपने प्रतिद्वंदियों को किया, क्या वजह रही आपके हिसाब से कि इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की हो रही है? आशुतोष देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के चुनाव के नतीजे आने के बाद हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल वाले दिन थे, और हमने उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर ली थी। हमने तीन चीज़ों में बहुत पूरी तरीके से फैसला कर लिया था। एक कि हमने जो इस्तीफे की बात की थी, इसकी वजह से लोगों के अंदर जो मायूसी थी, हमें लोगों को एश्योर करना है कि हमारी सरकार बनेगी, हम इस बार बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए हमने टैगलाइन लगाई 5 साल केजरीवाल, ये बिल्कुल सही था कि हम 5 साल केजरीवाल, हमने लोगों से जाके काम से गलती हुई। दूसरी बात, हमने ये तय किया था कि हमारे पर ये आरोप लगता है कि हम धरना पार्टी हैं, हमें इस छवि से उभरना होगा, और हमें इसके लिए जो पॉजिटिव मैसेज लोगों के अंदर देना पड़ेगा, हमें दिल्ली के डेवलपमेंट। तो क्या आप विश्वास दे रहे हैं लोगों को आशुतोष कि आप धरना नहीं देंगे, केजरीवाल धरने पे नहीं बैठेंगे? क्या विश्वास दे रहे हैं आप लोगों को सुबह आज? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छवि हमारे बारे में बनाएगी, जो मिथ मेकिंग का काम हमारे बारे में हुआ, उस मिथ मेकिंग और उस छवि से निकलने की हमें बहुत सख्त जरूरत थी। लोगों के बीच में संदेश जाना चाहिए था कि ये पार्टी सिर्फ ऐसे लोगों की नहीं है जो आंदोलन करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के भी है जो सरकार चलाना जानते हैं, लोगों की सेंसिटिविटी से जुड़ते हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें क्या है। एक बात और, हमारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की तरीके से नहीं, हमारे ऊपर महती जिम्मेदारी ये थी कि हम देश के अंदर एक नई राजनीतिक, एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करें। और आज मानिए, ये जो नतीजे, अगर ये रुझान अगर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो भारत की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। यानी ऐसी पार्टी बड़ा एक टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं, लेकिन शाहनवाज साहब आपने लोगों को कहा था कि आप कांग्रेस मुक्त कर देंगे भारत को, अगर इस विधानसभा को देखा जाए तो लग रहा है कि बहुत तेजी से ये विधानसभा तो कम से कम बीजेपी मुक्त हो रही है या उस दिशा में बढ़ रही है।
नहीं, ये सही है कि जो रुझान नजर आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभी तक की सबसे कम सीटें मिलती हुई दिख रही हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली के चुनाव से पूरे देश को आंक लेना वो भी सही नहीं है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली में हम हारे होंगे, कह रहे हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आखिर जो वोटर है उसको हमारी कौन सी बात नापसंद आई इसका आंकलन करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। शनवाज जी, हालत देख रहे हैं, अगर ये स्थिति रही तो विपक्ष का पद भी नहीं मिल पाएगा विधानसभा में। नहीं, अब ये तो लग रहा है कि काफी कम सीटें आ रही हैं, अपेक्षा से बहुत कम है, हम तो सरकार बनाने की अपेक्षा लेकिन में थे। नब्ज क्यों नहीं पकड़ पाए शनवाज जी? आप कह रहे हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, लेकिन हमें बताइए कि नेता तो बहुत ज्यादा दूरदर्शी और बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेता है, नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे दिल्ली के मिजाज की, उसके बावजूद सरकार को पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आपके स्टूडियो में आके पहले ही हार मान लेते, लड़ने नहीं जाते, लड़ना पड़ता है, और जब चुनाव लड़ते हैं और उस वक्त जीत हार लड़ना तो पड़ता है, लेकिन दिक्कत बीजेपी की कैंपेन की रही अब की बार कि आप लोग आपस ही में लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी से कम और आपस में ज्यादा लड़ाई चल रही थी, और इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं अभी आप। देखिए राहुल जी, जब चुनाव व्यक्ति हार जाता है ना तो सारे तर्क सामने वाले के सही हो जाते हैं, और हमारे सारे तर्क जो भी हम कहेंगे उसको आप काटेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पे ताकत पे लड़ी, कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई, और जो कांग्रेस का भी वर्कर था वो बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ गया, उनका वोट भी गया। मैं जब वजीरपुर में गया जुमे के दिन नमाज के बाद, मैंने वहां अकलियत के लोगों से पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा क्या कांग्रेस को इस बार भी वोट दे रहे हैं, बोले नहीं कांग्रेस को एक वोट भी नहीं दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। देखिए खतरे की घंटी शनवाज जी कैसे बजती है, दिल्ली के चुनाव परिणाम का इंतजार बिहार में भी हो रहा था, जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो नीतीश कुमार ने दाव चला, और आज परिणाम आ रहे हैं तो 140 विधायक पटना से रवाना हो रहे हैं दिल्ली आने के लिए, राष्ट्रपति के सामने परेड करने के लिए कि देखिए दिल्ली से स्क्रिप्ट लिखी गई। हम ये कह रहे हैं कि ये मैसेज जो है कितना 48 घंटा उनको पूरा भी नहीं हुआ, इसी बेचैनी किया है उनको, उन्होंने तो राज्यपाल को कल धमकी दी थी कि 48 घंटे में निर्णय करें, और फिर चल दिए दिल्ली, तो बेचैनी क्या है उनको, 48 घंटा तो वेट करते हैं, और कोई लालू यादव और अरविंद केजरीवाल का गठबंधन करवा रहे हैं क्या वाजपेयी जी आप? नहीं, गठबंधन नहीं करा रहे, हम खाली बता रहे हैं कि अलायंस के साथ लोग हैं, अलायंस बता रहे हैं ना आपको कि लालू यादव नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल का कोई गठबंधन होने वाला है क्या? पूछ लेते हैं आशुतोष से, पूछते हैं सवाल। आशुतोष, एक सवाल ये भी आ गया कि क्या नए तरीके से अब गठबंधन की दिशा में आम आदमी पार्टी भी बढ़ जाएगी? देखिए मैं शनवाज भाई की बात को सुन रहा था, मैं उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, मैं ये कहूंगा कि आज कम से कम देश के अंदर जो वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हुई है उसकी दिशा और दशा को हमें देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ये राजनीति क्यों है, और राजनीति के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार है ये दरअसल उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है, तो हमको आगे की राजनीति क्या होगी इस पर बैठ के सोचना पड़ेगा, इस पर बैठ के बात करनी पड़ेगी, आगे की आम आदमी पार्टी की दिशा क्या होगी ये भी तय करना पड़ेगा। राजनीति के अंदर जरूरी नहीं है कि आप जो पहले से आपके प्री कंसीव्ड नोशन है उसी के हिसाब से चले, या जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है उस कन्वेंशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से हमारा आकलन हो। हमारे साथ है स्टूडियो में एक मिनट, लगभग 47 सीट पर आगे चल रही है, इसका मतलब ये बहुत साफ है कि 50 का आंकड़ा रुझानों में कम से कम तुरंत पार हो जाएगा जो चीजें नजर आ रही हैं। और हमारे साथ चूंकि रागिनी नायक भी है स्टूडियो मौजूद, कांग्रेस की नेता, कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है, रागिनी कितना बदलाव, कौन सा बदलाव, किस रूप में जमीन को लेकर पकड़, आगे बढ़ने की कौन सी दृष्टि, जब ये लगने लगे वोटर को कि कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी को लाभ होगा, इससे खतरनाक स्थिति और क्या हो सकती है? रागिनी जी देखिए, मैं इस आज का जो नतीजा हमारे सामने दिल्ली के चुनाव का आ रहा है, मैं इसे पिछले नतीजे के विस्तार के रूप में ही देख रही हूँ, और जैसा कि जनादेश पिछली बार भी कहीं ना कहीं ये इस तरह से स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी एक 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 अवधारणा के साथ आई कि राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, और हमने देखा कि पिछली बार भी करीब 15 सीटें ऐसी थी जो बहुत ही कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी, आपको छोड़ के गई थी, और खबर आ रही है कि 2700 वोट से आगे चल रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले पीछे थी, अब थोड़ा आगे हो गई है, हो सकता है जीत भी जाए, चली गई, हो सकता है जीत भी जाएं, और बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के भी भाजपा में गए थे,
उनका क्या हश्र होगा वो भी हम थोड़ी देर में देख ही लेंगे। लेकिन हाँ, आप जहाँ तक कांग्रेस की बात कह रहे हैं, मैं इस बात को पूरी आपकी बात से सहमत हूँ कि ये वक्त हमारे लिए संयम के साथ बहुत ही आत्मचिंतन और मनन करने का है। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि दिल्ली में ख़राब रहीं, ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि हम एक बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन में दिल्ली के 15 सालों के विकास के ऊपर लड़े, लेकिन वो बात हम जनता तक पहुँचा क्यों नहीं पाए, उनकी आस्था में, उनकी संवेदनाओं में जगह क्यों नहीं बना पाए, क्या नेतृत्व की कमी रही, क्या नीचे जाकर अपने वोटर्स को रिटेन करने में कमी रही, जो आपने कहा कि बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हमारा जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हुआ, अब वो टैक्टफुली शिफ्ट हुआ है या वो एक कमिटेड वोटर की तरह शिफ्ट हुआ है। पिछली बार राहुल गांधी ने कहा था कि वो कांग्रेस को बदल देंगे, काफी हद तक बदल भी दिया उन्होंने, लेकिन एकदम अलग तरीके से जनता ने बदल दिया। देखिए, अब हार इस वक्त कांग्रेस पार्टी की है, तो आप जो भी कटाक्ष करेंगे मैं उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करूंगी, क्योंकि जनादेश ने कांग्रेस को दिल्ली से बाहर कर दिया है एक बार फिर। और पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अजय माकन जी ने इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी मुझे लगता है कल ही ले ली थी, अखबारों में भी हमने ये सब कुछ देखा।